बेंगलुरु रेल डिवीजन में रेलवे के कर्मचारियों ने एक खास तरीके की डिवाइस बनाई है, जिससे बैलस्ट ट्रेन से ट्रेन की पटरी पर डाले जा रहे पत्थर के टुकड़े आसानी से नीचे आ पाते हैं। साथ ही साथ उनकी प्रॉपर बॉक्सिंग प्रोफाइल भी बन जाती है। बेंगलुरु रेल डिवीजन ने जो फिक्सर डेवलप किया है वह बैलस्ट ट्रेन के ब्रेक वैन के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह डिवाइस काम करती है। इसकी खासियत यह है कि बैलस्ट की प्रॉपर प्रोफाइलिंग में 70% मजदूर कम लगते हैं। कान स्वल्प साइडल बनी साइड बंद रहे हैं क्लीन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद त्रिवेदी पाथरडीह से धनबाद तक स्पीड ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। ललित चंद त्रिवेदी ने पाथरडीह यार्ड रिमॉडलिंग कार्य का निरीक्षण किया और निरीक्षण के पश्चात महाप्रबंधक ललित चंद त्रिवेदी ने धनबाद रेल डिवीजन के DRM और दूसरे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाप्रबंधक ने धनबाद डिवीजन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने धनबाद पाथरडीह रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों, रेलवे रूम, कोचिंग डिपो आदि का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने धनबाद स्टेशन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम की भी शुरुआत की। इसी के साथ पाथरडीह यार्ड रिमॉडलिंग काम का गहन निरीक्षण भी किया गया। महाप्रबंधक ने मोटर ट्रॉली द्वारा ओवरहेड वायर में अवस्थित पूर्व मध्य रेल के अंतिम सेमाफोर सिग्नल का भी मुआयना किया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल और मंडल के दूसरे उच्च अधिकारी भी इस निरीक्षण में शामिल रहे। यह तस्वीर है बिलासपुर रेल डिवीजन के अंबिकापुर अनूपपुर रेल सेक्शन के सालाना निरीक्षण की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी लाओ लश्कर के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। एक बड़ा अधिकारी जब आता है तब आसपास किस तरीके से छोटे छोटे मोटे मोटे अधिकारी इकट्ठा हो जाते हैं, इसका ये अच्छा खासा नज़ारा है। गौतम बनर्जी ने नागपुर रोड स्टेशन के पास हसदेव नदी पर बने रेलवे पुल का भी निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने निरीक्षण के दौरान अंबिकापुर, सूरजपुर, दर्री टोला रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, रेलवे पुल, रेलवे घुमाव और गैंग आदि का निरीक्षण किया। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से महाप्रबंधक हाथ में एक छड़ी लेकर रेलवे के पुल का निरीक्षण कर रहे हैं। ये हसदेव नदी पर बना हुआ पुल है और पीछे रेलवे कर्मचारियों की एक लंबी चौड़ी कतार है। महाप्रबंधक के इस तरीके के निरीक्षण से रेलवे का कितना भला होता होगा ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और इन तस्वीरों से ये साफ होता है कि ये जो सालाना निरीक्षण है कहीं ना कहीं एक रस्म अदायगी भर रह गए हैं।